जय शनिदेव भाइयों, जय शनिदेव। मैं जसमीत शनिदा मनु भेजे के यहाँ से आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जिसने अध्यात्म की इस लाइन में, जो गुरुजी अध्यात्म करवा रहे हैं, जो गुरुजी हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, पवित्र रास्ता, ताकि हम उस परमात्मा तक जा सकें, उसके दर्शन कर सकें और उसी के ही में अपना अंश को विलीन कर सकें, उसी में ही हम सदा सदा के लिए उसके ही होके रह जाएं, ताकि जब हम उनके उसके हों तो हमारे कोई नेगेटिविटी वगैरह जो हमें परेशान करती है, जो दुख तकलीफ देती है, उससे निजात भी मिले साथ में, और हमारा मन तन और हमारा आसपास का जितना पर्यावरण है सब के सब पवित्र हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी है कोई अंश मात्र क्या एक पॉइंट भी ना रहे। उसी संदर्भ में, उसी के हिसाब से चलते हुए मैं अभी आपको एक ऐसे भाई साहब से मिलवाना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ इसी लाइन में परमात्मा के दर्शन के लिए आगे हमारे साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और आइए आप इनके बारे में पूछते हैं कि इनको क्या एक्सपीरियंस हुआ और ये कहाँ से कैसे। जय श्री भाई साहब। जय श्री। नाम बताइए जी अपना। सत्येंद्र खत्री। सत्येंद्र जी कहाँ से आप? किरण कोदना गाँव दिल्ली से। हाँ जी, अब बताइए सर। ये जब से शक्तिपात करवा रहे, जब से अनुभव हो रहे, लगातार एक सवा महीना हो गया। ये अपना शंकर भगवान के भी दर्शन हुए, मनु भैया के भी दर्शन हुए, शिव गोरखनाथ के भी दर्शन हुए हैं। एक ही दिन में 10:30 से 12 बजे तक बैठा था दिन में, तो वो अपने गुरु सत्यवान जी के भी दर्शन हुए हैं और हनुमान जी के भी दर्शन हुए और इष्ट देवता श्री बाबा हरिदास झाड़ूदा कला उनके मंदिर के भी दर्शन हुए हैं। तो उसके रात को ये महा अवतारी का जाप कर रहा था मैं, तो उस समय मेरे को रात को हनुमान जी के भी दर्शन हुए हैं और जिस टाइम जाप कर रहा था उसी टाइम मैंने मनु भैया के भी दर्शन हुए हैं। उनकी छाती से ऐसे शिवलिंग आया बर्फ का बना अच्छा, हुआ, वेरी गुड। और उसके उसके अंदर से शंकर भगवान और दो कबूतर साथ में है जी जी, साथ में साइड में थे जी जी। और शंकर भगवान ऐसे आशीर्वाद दे रहे, एक हाथ में त्रिशूल था। अच्छा, तो मनु भैया के चेहरे के दर्शन है, उनके छाती से निकल के आया शिवलिंग। तो जब आपको दर्शन होते तो आपको क्या फील होता है उस टाइम? बॉडी में कंपन सीधी आया, मेरे पास कंपन होती है, शरीर बिल्कुल हल्का, काफी कंपन है, शरीर हल्का बिल्कुल, और पूरा का पूरा असर से लेके पैर होता है एकदम से पूरे कंपन जी, पूरा शरीर कंपन करता हो। और माता का भी बताया था मनु भैया ने, उस पर सरबारापन हुआ, फिर ऐसा ठंडा हो गया, यहाँ पे मेरा वहाँ पे दबाव पड़ता है बीच में, कई दफा हो गया बीच में दबाव पड़ता है। ये तो अच्छी। और हनुमान जी के रात को दर्शन हुए हैं, ऐसे मेरे हाथ पकड़ के उड़ रहे हैं। अच्छा। मनु भैया के भी दर्शन हुए हैं, फिर उसके बाद हनुमान जी है रात को सोते वक्त हुए थे और ऐसे उड़ रहे हैं मेरे बोले के, और सीधे ऐसे काफी पब्लिक थी और जय श्री राम जय श्री राम कह रहे हूँ हनुमान जी के साथ, काफी पब्लिक ठीक होगी, उनमें बीमार थी। उसके बाद में मेरे को माता दरवाजे पे छोड़ा, सफेद पैड़ी है बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है, और एक लंगड़ा आदमी आता है, भगत जी मेरे को ठीक कर दिए, उसको जय श्री राम बोल के उसके सर पे हाथ रख देता हूँ और माता जय माता की कहवाता हूँ, जय माता की बोलता है और पैड़ी पर माता टेक देता हूँ। उस टाइम जन्म से ही था ये बोलता हूँ, आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम भी यही दुआ करते हैं कि जो आपने बोला है, जो आपने बोला है वो सच हो, और आप ऐसे ही श्री राम जी का माता का नाम लेके ऐसे जो दुखियारे लोग आए वो भी ठीक हों, आपका नाम रोशन हो, दरबार का नाम रोशन हो, हर एक का नाम रोशन होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हम चाहेंगे कि क्या कह रहे थे साहब? आज मेरे को हनुमान जी के दर्शन हुए बिल्कुल आगे सामने ऐसे 40 पढ़ रहा था और ओम नमः शिवाय, ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ये मंत्र जाप कर रहा था बिल्कुल, एक मीच का भी ऐसे दिखाई दे रहे, अब भी दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी बिल्कुल यही है पास में सामने मेरे बिल्कुल, खोल के भी दिखाई दिए बिल्कुल सामने है। 3 बजे में करीबन 1 घंटा बैठा रहा, बिल्कुल रात में ऐसे कंपन थी सिद्धि की, काफी तरंगे थी तेज और बहुत मन खुश होया, अभी मनु भैया से झाड़ा लगवा के आया हूँ, अब भी मेरे को उनके पास में बिल्कुल दर्शन हुए हनुमान जी के। जय श्री राम जय श्री राम जी। ऐसे ही अगर हमारा मन अगर साफ हो, अगर हमारी श्रद्धा सही हो और पूरा अटूट विश्वास हो अपने गुरु के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, तो हमें ऐसे ही दर्शन होते हैं, ऐसे ही उनका लाभ प्रदान होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में वाइब्रेशंस होती हैं। तो जो साधना कर रहे हैं मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपना मन तन और साफ करके रहें और साथ में विश्वास पूरा बना के रहें, अटूट विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव, जय शनिदेव।